Hello everyone, welcome to our channel EME Technologies. Do subscribe our channel and hit the bell icon button for latest updates. This is the best time to make yourselves productive, so feel free to contact us for industrial training and summer training for ultra productivity and peak performance. Hi guys, this is Priya Negi and welcome to our channel EME Technologies. आज मैं आप लोगों को Kotlin language पर एक और program बनाना सिखाऊंगी और आज का हमारा topic है do while loop. तो सबसे पहले आप source पे जाकर एक class create कर लीजिए और उसका नाम आप रख लीजिए do while loop. अब हमारी do while loop क्लास क्रिएट हो गई है. अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि do while loop का कॉन्सेप्ट क्या है. आप लोगों ने जावा में भी पढ़ा होगा कि do while loop और while loop में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर दोनों में कोई डिफरेंस है तो वो ये है कि do while loop हमेशा पहले इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर लेता है, उसके बाद वो अपने टेस्ट एक्सप्रेशन को कंसीडर करता है और उसके बाद वो उसको चेक करना शुरू करता है. जावा के कॉन्सेप्ट में और कॉटलिन के कॉन्सेप्ट में डू वाइल के केस में कोई चेंज नहीं आया है. लॉजिक बिल्कुल सेम है. अगर कोई चेंज है तो वो सिर्फ सिंटेक्स में है. वाइल लूप में भी सेम कॉन्सेप्ट था, वहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया था. आई होप आपने मेरी पुरानी वाइल की वीडियो देखी होगी. तो अब मैं आप लोगों को डू वाइल का एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगी और उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता है कि किस तरीके से हमें कॉटलिन में स्टार्ट करना होता है. फन मेन लिखकर उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स दीजिए और फिर एरे स्ट्रिंग लिखकर पेरेंथेसिस दे दीजिए. अब इसमें मैं अपना एक वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ. यहाँ पर इसका मतलब है कि मेरे वेरिएबल का नाम सम है और उसकी डेटा टाइप इंट है. इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया है यहाँ पर इज इक्वल टू जीरो से. अब मैं एक और वेरिएबल ले रही हूँ इनपुट और इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है. यहाँ पर मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है. अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. अभी इसके बाद मैं अपना डू वाइल लूप लगाना शुरू करूंगी. यहाँ पर जब मैं वाइल लिख रही हूँ तो मेरा टेस्ट एक्सप्रेशन वाइल के अंदर आएगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इधर कोई भी सेमीकोलन नहीं लगाया है क्योंकि कॉटलिन के सिंटेक्स में सेमीकोलन लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. अब डू के अंदर आ जाइए, प्रिंट एंटर एन इंटीजर. इनपुट टू रीड लाइन एंड सम इज इक्वल्स टू सम प्लस इनपुट डॉट टू इंट.
यहाँ पर मैंने दो एक्सक्लेमेशन के साइन यूज कर रखे हैं। इसका मतलब है कि अगर इसकी वैल्यू जीरो मैंने ले ली तो ये मुझे एरर शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन नहीं डाल रही हूँ, एक्सक्लेमेशन साइन डालने का मतलब ये है कि ये मुझे नल पॉइंटर एक्सेप्शन शो नहीं करेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट एलन सम इज इक्वल्स टू डॉलर सम। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगी। अब ये मुझे कह रहा है कि एक इंटीजर एंटर करने के लिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने कोई इंटीजर एंटर नहीं किया तो उसने मुझे इधर एरर शो कर दिया। अब मैं फिर से इसको रन करके दिखाती हूँ। ये फिर से एक इंटीजर मांग रहा है और अब मैं यहाँ पर वन अगर डालती हूँ तो ये फिर से मुझे इंटीजर मांगेगा। अब मैंने टू डाला, ये फिर से मुझे इंटीजर मांग रहा है। अगर मैं ऐसे ही बार बार इसे कोई से भी डिजिट देती रहूँगी तो ये मुझसे इंटीजर मांगता रहेगा। अगर मैं इसको ज़ीरो दे देती हूँ तो ये देखिए इसने मुझे इन सभी का सम शो कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम में मैंने लिखा है कि मेरा ये प्रोग्राम तब तक चलता रहे जब तक मेरी इनपुट ज़ीरो नहीं हो जाती, और जब मैं ज़ीरो एंटर कर दूंगी तब वो मुझे जितने डिजिट्स मैंने एंटर किए हैं उनका सम करके दिखा देगा। मैं एक बार और आपको रन करके दिखाती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर सिक्स डालूँ तो ये फिर से मुझसे इंटीजर मांग रहा है। फिर मैंने फाइव डाला, ये फिर से एक डिजिट मांग रहा है। अब अगर मैं ज़ीरो दे दूँ तो देखिए उसने मुझे सिक्स प्लस फाइव दोनों को ऐड करके सम शो करवा दिया है। तो डू वाइल को आप जितने मर्जी तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा सिंपल तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो आप जितने मर्जी प्रोग्राम्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा प्रोग्राम समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।